सीड 1.21 जैसे आप सीड को एंटर करोगे आप यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे एंड उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है। उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए आगे जाना है एंड जैसे आप इस रिवर को क्रॉस कर लोगे आपको सामने मिल जाएगा विलेज। तो विलेज आपको मिल जाएगा प्लेन बायोम के अंदर। विलेज के अंदर आपको मिल जाएंगे 2 ब्लैक स्मिथ एंड ये विलेज काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है आपकी सर्वाइवल जर्नी स्टार्ट करने के लिए। एंड रिवर विलेज के पास में तो आप काफी सारे फार्म्स भी इजीली बना सकते हो। इसी विलेज के अंदर आपको मिल जाएगा रूइन पोर्टल जिसके पास में एक चेस्ट है जिसके अंदर काफी ओपी लूट है जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप पोर्टल के अंदर एंटर करोगे आप यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे। उसके बाद आपको रूइन पोर्टल के पास ही इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है एंड आगे जाना है। थोड़ा आगे जाने के बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे मिल जाएगा बैशन एंड आपको तो पता होगा बैशन के अंदर कितनी ज्यादा ओपी लूट्स मिलती है जिसको आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको बैशन के पास ही इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है एंड आगे आगे जाना है। तो थोड़ा आगे जाने के बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे मिल जाएगा फोर्ट्रेस जहाँ से आप इजीली अपने लिए ब्लिथ्रोस कलेक्ट कर सकते हो एंड फोर्ट्रेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से विलेज के अंदर आ जाना है एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे लिख डाउन कर देना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे अब से आप पहुंच जाओगे ट्रायल चेंबर्स के अंदर जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी फ्रेश अपडेट है, इसके मजे भी ले सकते हो। उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है तो आपको सामने मिल रहा होगा सेकंड विलेज जो हमारा फर्स्ट विलेज है। उसके काफी ज्यादा पास में आप कोऑर्डिनेट्स से भी कंपैरिजन कर सकते हो एंड इसी कोऑर्डिनेट्स पे आपको नीचे रिक डाउन कर देना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे आपको मिल जाएगी ट्रेजर चेस्ट जिसके अंदर ओपी लूट है जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। फिर से इन कोऑर्डिनेट्स पे विलेज के पास में यहाँ पे रिक डाउन कर देना है। आपको यहाँ पे मिल जाएगी सेकंड ट्रेजर चेस्ट जिसके अंदर भी ओपी लूट है जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड इसी चेस्ट के पास में आपको मिल जाएगा रूइन पोर्टल जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इसी रूइन पोर्टल के पास में आपको मिल जाएगी चेस्ट जिसके अंदर भी ओपी लूट है जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल जाएगा सेकंड विलेज जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो आपको चेरी ग्लोसम बायोम के अंदर मिल जाएगा। एंड ये हमारे सेकंड विलेज के बहुत ज्यादा पास में तो आप इसको इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे मिल जाएगा विलेज आउट पोस्ट जो हमारे स्पॉन पॉइंट के काफी ज्यादा पास में लेकिन रेंडर चंक्स कम होने के कारण ये आपको दिखा नहीं। उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक विलेज जिसके अंदर आपको एक ब्लैकस्मिथ भी मिल जाएगा एंड आप इस विलेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इसी विलेज के पास में आपको मिल जाएगा एक और रिन पोर्टल जिसके पास में भी एक चेस्ट है जिसके अंदर भी ओपी लूट है जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। इसी विलेज के अंदर कोई कोऑर्डिनेट्स पे टिक डाउन कर देना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे आप सब पहुंच जाओगे एंड रूम के अंदर जहाँ से आप जिले एंटर ड्रैगन का खात्मा कर सकते हो। एंड कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल जाएगा ओशन मोनूमेंट जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल जाएगा शिप रैक तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो एंड इसके हेल्प से आप इजीली ट्रेजर भी फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है, यहाँ पे एक डाउन कर देना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे आप सीधा पहुंच जाओगे एंशिएंट सिटी के अंदर जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो जिसके अंदर काफी ओपी लूट होती है जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल जाएगा वुडलैंड मेंशन तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। आई होगी तो लाइक कर देना, न्यू होगी तो सब्सक्राइब कर देना एंड बाय।